Comparison is always the beginning of the death of self-love. शायद ये कोट आपने पहले भी सुनी होगी या फिर ये तो सुनी ही होगी। Comparison is a thief of joy. हम कहाँ पे born होंगे, कौन सी family में, कैसे दिखेंगे, पैसा कितना होगा हमारे पास, हमारी health कैसी होगी, ये हमारे हाथों में नहीं है। उस जगह पे हम पूरे powerless हैं। कोई भी ताकत नहीं है हमारे पास चूज़ करने की कि हम किस घर में पैदा हों। बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपकी ड्रीम लाइफ है या जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। कंपैरिज़न शायद हमारे खून में ही है। मुझे लगता है ये हमें हमारे परिवार से मिला है, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम आते हैं वहाँ पे कंपैरिज़न एवरी डे काइंड ऑफ थिंग है। शायद दिन में 5-10 बार होता होगा। हमें कंपेयर किया जाता है हमारे नेबर के बच्चों के साथ, हमारे कज़न्स के साथ, हमारे अपने ही फ्रेंड्स के साथ। कई बार हमारी फ्रेंडशिप भी इसी वजह से टूट जाती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें हमारे फ्रेंड के साथ ही कंपेयर करते हैं कि वो तुमसे अच्छा कैसे कर रहा है। हमने एक्चुअल में अब अपने आप को ही दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। वो शायद शुरुआत ऐसे ही हुई होगी कि किसी ने हमें पहले किसी के साथ कंपेयर किया था। अब ये हमारी भी आदत बन चुकी है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। जितना पति समय लगाते हैं मूवली कड़ी लवा सोचन ली एना तो बंदा डील कर लेंदा बुर्ज खलीफा दी पीनट मसाला ते नाल होवे पैक उल्टियां इन्फॉर्मेशन सोचो गाइस आर सारे सेम। मुझे लगता है कि जो हमारी कंपैरिजन की आदत है ना, वो एक किस्म का डर है या इनसिक्योरिटी है। हमें लगता है कि हम चीज़ें एक सर्टन तरीके से करना चाहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें या फिर हमारे परिवार वाले हमें पसंद करें या हम उनकी इच्छाओं पे खरे उतर पाएँ। इसीलिए हमने भी ये कंपैरिजन की आदत डाली है। कमर्शियल्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ है कि हम लोग अपने आप को वो कमर्शियल वाले लोगों से कंपेयर करते हैं। फॉर गर्ल्स कि कैसे उनकी स्किन इतनी क्लियर है, कैसे उनका रंग इतना साफ़ है, कैसे उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं है, उनके बाल कितने अच्छे हैं या फिर उनके दांत कितने चमकदार हैं। जो हमारे फिज़िकल डिफेक्ट्स हैं, जो हमें डिफेक्ट्स लगते हैं, वो एक्चुअल में हमारा इंडिविजुअलिटी है जो लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। अगर सारे लोग सुंदर, खूबसूरत, सिल्की बाल, चमकते दांत जैसे बन जाएंगे तो सारा कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा। हर एक बंदे के जो फ्लॉज हैं उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। यही तो इस दुनिया की खूबसूरती है कि हम सारे एक दूसरे से अलग हैं। इसी से तो इस ज़िंदगी में इंटरेस्ट है। अगर सारे एक जैसे लगेंगे तो क्या मज़ा आएगा। सो ये खूबसूरती वाला जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ही पेनफुल है। ऐसे लगता है कि हम हार गए हैं, क्योंकि अब हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। कई बार लगता है कि यार मेरी फैमिली को ना थोड़ा अच्छा बंदा चाहिए था, मैं उनके लिए सही नहीं हूँ, उन्होंने कुछ बैड किया होगा जो मेरे से पाला पड़ गया, उन्हें शायद थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर फिर भी मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सारे लोगों में टेंडेंसी होती है अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की, किसी में थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी कम। बाबा एक म्यूजली किड्डी वजह यार पास से पाँच से मेरे। ये जो हमारा चेहरा है ना, ये हमें दूसरों से अलग बनाता है। ये जो हमारा नोज़ है, हमारी आईज़ है, हमारे एंसेस्टर से मिलती है। तो कैसे एक दूसरे से मिलेगी? यही तो हमारी खूबसूरती है कि हम उनके जैसे दिखते हैं। आप रियली किसी और की तरह दिखना चाहते हैं अपनी खूबसूरत फैमिली को छोड़ के? अब तो उनके बच्चे भी नहीं लगेंगे। अगर आपको चांस भी मिल जाए कि आप अपनी शक्ल, सूरत, रंग, बॉडी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो क्या आप लंबे समय तक खुश रह पाएंगे? या हो सकता है कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तक आपको अच्छा लगे, पर फिर आपको कुछ और चाहिए होगा, शायद कुछ और चेंजेस। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपके दिमाग में हैं, बाहर नहीं। आप हैं, यही आपकी स्पेशलिटी है। अगर आप कोई और बन जाएंगे तो आप थोड़ा रहेंगे, आप तो वो बंदा बन जाएंगे। मुझे मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं, खुश हूँ मैं। आई एम हैप्पी। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब सीखा था कि कंप्लेंट्स करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। जब मैं बीमार हो गई, मैंने कभी भी ऐसे कंप्लेन नहीं किया कि मैं ही क्यों। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि अगर मुझसे कोई गलती होगी, प्लीज़ फॉरगिव मी। बिकॉज मुझे इस बात में पूरा यकीन है कि जो भगवान है, अगर वो है, तो वो हमारे पेरेंट्स की तरह है। पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को पनिश नहीं करते हैं, लाइक उनको रियल पेन में देखने के लिए। सो अगर आपको कोई डिजीज़ है या आप में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप भगवान को जिम्मेदार ठहराएंगे, वो भगवान के हाथों में नहीं है, वो आप ही का कोई बैड कर्मा है या आप ही की कोई गलती है जो आपके सामने आ गई है। सो उसके लिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए, सिर्फ आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। दैट्स इट, दैट्स वी कैन डू। क्योंकि हमारे पास जो है, अगर कोई डिजीज़ है, अगर नहीं है, तो हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। सो यही सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो अपने आप से पूछें कि ये कंपैरिज़न आपको कहीं पे मदद कर रहा है क्या? इसका कोई भी फ़ायदा होगा आपको? सो अगर आपको लगता है कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है, तो कंपेयर करने के बजाय चूज़ करें अपने खुद के टैलेंट्स, अपने ऊपर समय स्पेंड करें कि आप में खास क्या है। Instead of being jealous, genuinely happy हो उस बंदे के लिए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, एंड मांगें कि भगवान उसे और ज़्यादा दे। यही मैं करती हूँ। जब मुझे कोई बंदे दिखते हैं ना जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छा करें और उनको और अच्छा मिले। सो जब भी आपको चांस मिलता है अपने आप को कंपेयर करने का दूसरे बंदे से, या जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, तो उस चांस को चूज़ करें अपने आप से और ज़्यादा प्यार करने के लिए, अपने आप में और ज़्यादा खूबसूरती देखने के लिए। तो ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। सो एंड ऑफ द डे आपके पास आप हैं। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को प्यार कैसे देंगे? हेलो दोस्तों, सो किचन में आज हम लोग को करने वाले हैं चने, कुलचे छोले। सो चने मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल कर लिया। इसको हाफ हम खा लेंगे अभी और एक ही मैं करी बना लूँगी कल। सो अब मुझे चाहिए कोई असिस्टेंट जो मेरे लिए चीज़ें चॉप करे। असिस्टेंट, कैन यू गेट रेड अनियंस? सबसे पहले एप्रन पहन लेते हैं क्योंकि हम खूबसूरत बनना चाहते हैं। किचन रेडी। ए असिस्टेंट, कम क्विकली। असिस्टेंट, अनियन छीलो। Assistant, drinking and eating is not allowed when you work. Okay, दोस्तों, ये जो मेरा assistant है काफ़ी ज़्यादा कामचोर किस्म का है। इसे काफ़ी मुश्किल से काम करवाना पड़ता है। आलू पील करके उबाल दीजिए प्लीज़। तो काम तो करना माइक्रोवेव से करने का, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं। आज ना आलू बुखारे की चटनी बनाओ। आलू बुखारे साढ़े कोल केड़ी आलू बुखारे या खजूरां दी बनावा। खजूरां दी चटनी चटनी असिस्टेंट बनांदे हुंदे आ, मेन कुकिंग बॉस करदा है। पीड़ा। सो गाइस, हम ये कुलचे छोले बनाएंगे इंडिया स्टाइल। एंड मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि चने को मैंने गरम नहीं किया, सिर्फ आलू को तड़का लगाया जीरे का एंड बटर के साथ। एंड उसके बाद चने में सारा मिक्सचर मिक्स कर दिया तो बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। क्योंकि जब आप गरम कर लेते ना तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। सो ये मेरी एक सीक्रेट टिप है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो, कि आप चने को गरम नहीं करें, उसको कच्चा रहने दें। जैसे इंडिया में पतीले में नहीं मिक्स करते हो, चटपटा बनेगा क्या? सो ये जो हमारा असिस्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा लकी है दोस्तों, क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे पकवान मिलते रहते हैं। फोकट इमली का बूटा बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, चल भाई चल अब हो गई देर। इस जंगल के हम दो शेर कि कोई भी अंताक्षरी इस गाने तो बिना पूरी नहीं होंगी। ई तो अटक ही जाता है बस। इमली का बूटा केड़ी मूवी दा? दिलीप कुमार एंड राजकुमार बेस्ट फ्रेंड होंगे, वो गलत होंगे एक दूजे ने जफी दोस्तों। कुलचे के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्टोन फायर ऑथेंटिक फ्लैट ब्रेड मिनी नान्स, जो हमने कॉस्को से लिए हैं, कॉस्को ओकविल से। मुझे लगता है कि सारे कॉस्को में ये अवेलेबल होगा। सो ये वाला ट्राई करें क्योंकि ये थोड़ा खट्टा है एंड सॉफ्ट भी है। सो इसके साथ कुलचे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो कुलचे में ऐड करने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें काटी हैं मैंने। टमाटर, रेड अनियन, हरी मिर्ची अराउंड 10 एंड धनिया। एंड इमली को थोड़े से गर्म पानी में भिगो लिया है, इसको मैं खट्टा ही रखूँगी, इसमें कोई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सो मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड लाल मिर्च, काली मिर्च एंड सॉल्ट। ओके दोस्तों, ये है चने, इसको मैंने ठंडा ही रखा है। इसमें हम ये आलू वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे, इसी में सीजनिंग है। सो इसमें मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब इसमें हम सूखी चीज़ें ऐड कर देंगे। हेलो गाइज, आपका स्वागत है मिस्टर सिंघानिया की अदालत में। सो जब भी मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे पुरानी मूवीज़ का वो अमीर आदमी याद आ जाता है जिसका नाम होता था मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर सिंघानिया, समथिंग लाइक दैट। सो हमने छोले कुलचे खा लिए हैं। बदकिस्मती से मेरे पास 4 बैटरीज है मेरे कैमरे के लिए और चारों ऑफ होगी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत मज़ेदार बने थे, आप भी ज़रूर से ट्राई करना। एंड व्लॉग को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों। मैं आपको मिलती हूँ नए व्लॉग में जल्दी ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। बी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।